मेटावर्स जिसे एक नई दुनिया या फिर कह सकते हैं कि दूसरी दुनिया बताया जा रहा है, अब मेटावर्स क्या है इसे लेकर के आपने जैसे बज़ देखा होगा पिछले साल तक, पिछले साल या यूँ कहें कि इस साल भी क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज़्यादा बज़ देखने को मिला है। अगले साल यानी 2022 और 2023 में आपको क्रिप्टो करेंसी के से ज़्यादा सुनने के लिए मिलेगा, वो एक चीज़ है मेटावर्स। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स दरअसल एक दूसरी दुनिया कहा जा रहा है उसे। होगा ये कि आप यहीं बैठे रहेंगे और एक अलग स्पेस में आप सब कुछ कर पाएंगे जो अभी आप इस दुनिया में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वहाँ प्लॉट खरीद सकते हैं, और आपको बता दूं कि प्लॉट्स की बिक्री अभी से ही शुरू हो गई है। कई लोगों ने वहाँ पर प्लॉट्स खरीदे हैं, हालांकि प्लॉट्स काफ़ी महंगे मिल रहे हैं, करोड़ों मिल रहे हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो अभी बुक करा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो आपने प्लॉट ले लिया, जैसे कि यहाँ लेते हैं, इन्फ्लेशन वहाँ भी बढ़ेगी। आप अगर चाहेंगे तो वहाँ अपनी शॉप खोल सकते हैं, कॉन्सर्ट कर सकते हैं, आर्ट गैलरी लगा सकते हैं, यानी ज़्यादातर वो चीज़ें जो आप अभी प्रेजेंट रियल दुनिया में करते हैं वो वहाँ कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि ये कहाँ है? आप प्लॉट खरीदेंगे तो कहाँ खरीदेंगे, और आप उसमें जाएंगे कैसे? क्योंकि आपको कुछ, आप मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीद रहे हैं जो आपके पास रहे, तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स की ज़रूरत होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेसिक टूल वो ये है VR हेडसेट। VR हेडसेट आप यूज़ करेंगे, उसके बाद अपना अवतार क्रिएट करेंगे, और मेटावर्स में आप खुद घर पे बैठे रहेंगे, लेकिन आपका अवतार जो है वो VR के ज़रिए वो वहाँ पर पहुँचा हुआ रहेगा, जो कि एक अलग स्पेस होगा। आपके साथ दुनिया के और भी जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले लोग होंगे, वो सब वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, उनके साथ घूम सकते हैं, उनके साथ गेम खेल सकते हैं, या फिर जो आप रियल वर्ल्ड में करते हैं ज़्यादातर चीज़ें वहाँ पर कर पाएंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मेटावर्स का ये है कि एक अलग दुनिया जहाँ पर आप इस दुनिया जैसे ही चीज़ें कर सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं। जाने का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे जा सकते हैं। हालांकि अभी जो फेसबुक ने अपना नाम बदल करके मेटा कर लिया है, तो कई लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मेटावर्स यानी मेटा, बट ऐसा नहीं है। मेटा एक कंपनी है, पहले इसका नाम था फेसबुक, अब मेटा हो गया है। मार्क जकरबर्ग को लगता है कि मेटावर्स फ्यूचर है, इसी वजह से मार्क जकरबर्ग ने कई बिलियन डॉलर मेटावर्स पर इन्वेस्ट कर दिया है। सिर्फ मार्क जकरबर्ग ही नहीं, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट और तमाम बड़ी गेमिंग कंपनियां जो हैं, उन्होंने मेटावर्स पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स निवेश किए हैं, ताकि उन्हें लग रहा है कि अगले 10 साल में लोग इंटरनेट से शिफ्ट होकर के मेटावर्स पे चले जाएंगे। हालांकि एलोन मस्क जो हैं उनकी राय अलग है, जैक डॉर्सी जो हैं उनकी राय अलग है। उनका कहना है कि मेटावर्स एक इल्यूज़न है, जो हो सकता है कि सच्चाई कभी ना बन पाए, और एक मार्केटिंग गिमिक के तौर पर इसे पेश किया जा रहा है। हालांकि एलोन मस्क ने बाद में यह भी कहा कि हो सकता है वो इस टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। बहरहाल, ये सारे कॉन्ट्राडिक्शन तो चलते रहेंगे, बट मेटावर्स एक ऐसी चीज़ है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक समय था जब आपको, आपने ये सोचा भी नहीं होगा कि आप वीडियो कॉलिंग करके किसी से बातें कर सकते हैं, बट आज वो पॉसिबल है। होलोग्राम की जहाँ तक बात है, जैसे आप बैठे हुए हैं और कोई आपके सामने प्रेजेंट हो जाए होलोग्राम के ज़रिए, बट वो यहाँ ना हो, तो ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हैं मेटावर्स में। तो एक्सपर्ट्स का मानना है, बड़ी बड़ी कंपनियों का मानना है जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, कि अगले 10 से 15 साल में मेटावर्स पर इंटरनेट शिफ्ट हो चुका होगा, और ज़्यादातर लोग इंटरनेट के मुकाबले मेटावर्स को यूज़ करते रहेंगे।